वेलकम बैक टू अन्वेषा कुकिंग चैनल। तो आज हम बनाने वाले मेथी के पराठे, इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम आटा, 30 ग्राम बेसन और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च, चाट मसाला आधा टेबल स्पून, पेपर पाउडर आधा टेबल स्पून, ब्लैक सॉल्ट आधा टेबल स्पून और इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही ऐड करेंगे 2 बॉइल्ड पोटैटोज। इन पोटैटोज को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही बारीक कटी हुई मेथी जो कि है 250 ग्राम। इन सभी को हम एक साथ मिक्स करके एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। अगर हमें यहाँ पर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम अपने डो को बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ हमें सॉफ्ट और टाइट डो की ज़रूरत है जो कि अब लगभग हमारा डो तैयार हो चुका है। तो देखिए अब हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसे ऑयल या घी के साथ ग्रीस कर लेंगे और इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। अब हम अपने डो को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब हर एक पार्ट को अच्छे से रोल करके स्मूथ और चिकनी लोई बना लेंगे और इसे एक प्लेट में रख लेंगे। हर एक लोई को सूखे आटे की मदद से अच्छे से बेल लेंगे। मैंने यहाँ पर राउंड शेप में बनाया है, आप इसे अपना मनचाहा शेप दे सकते हैं। इसे अच्छे से राउंड शेप में बेलने के बाद हम इसे प्री हीटेड पैन पे ट्रांसफ़र करेंगे और इसे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पकाएंगे। मैंने यहाँ पकाने के लिए घी का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो घी या ऑयल जो आपको पसंद हो आप उसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने पराठे को मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे ताकि हमारा पराठा क्रिस्पी और करारा बने। अब हमारा पराठा तैयार हो चुका है, हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से हम अपने सारे पराठे को ट्रांसफ़र करके 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे और उसके बाद इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा ये पराठा बहुत ही टेस्टी है। मैंने यहाँ पे आलू और बेसन का यूज़ किया है जो कि मेथी के कड़वेपन को ख़त्म करके हमारे पराठे को क्रिस्पी और करारा बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।